कोरोना काल से आम जीवन पर पड़े असर को आंकने के लिए कांग्रेस जुलाई के पूरे महीने में आउटरीच अभियान चलाने वाली है, जिसे लेकर रांची स्थित कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात का आकलन करने कांग्रेस घर घर जाएगी। इसके लिए आउटरीच नाम से पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा, जो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता हर प्रखंड हर पंचायत में जाकर स्थिति का आकलन करेंगे। इसकी तैयारी पूरे प्रदेश में कांग्रेस कर रही है। इसी कड़ी में रांची महानगर कांग्रेस की बैठक में रणनीति बनाई गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के 100 महत्व कमलेस मौजूद रहे। तमाम ऐसे घरों तक पहुँचना है जिनके घर में कोरोना संक्रमण के दौरान कोई मृत्यु हुई हो, अथवा जिनका कोरोना के कारण जिनकी जीविका खत्म हो गई हो, वैसे लोगों तक पहुंच करके उनको एक पूरा सर्वे करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आउटरीच अभियान को लेकर सबसे ज्यादा जवाबदेही रांची जिले की होगी। राजधानी होने की वजह से भी यहां असर ज्यादा पड़ा है। रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय पांडे का कहना है कि संगठन लगातार लोगों की मदद करता आया है, इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए बेहतर तरीके से पार्टी स्थिति का आकलन कर सकती है। अस्त व्यस्त हो गया, सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो जनता के बीच में पहुंचकर उनके दर्दों को समझकर उनको दर्द को बांटने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है कि हम उनके पहुंचे, उनके दर्द को समझें। और ये जो केंद्र सरकार केवल बयानबाजी करके उनके दर्द को बांटने का प्रयास कर रही है, हम सही मायने उनके तक पहुंचे। आउटरीच कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस वैसे परिवार जिसने अपने घर चलाने वालों को खोया है, या वैसे लोग जो बेरोजगार हुए, ऐसे जरूरतमंदों का डाटा तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी, जिसके अनुसार पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। News 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।